गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोरोना के प्रकोप से आप दूर रहें। यही मेरी मनोकामना है, यही मैं चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई विश फॉर यू। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के इन वीडियोज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूनिट नंबर वन, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एंड इन दिस चैप्टर नंबर 1.2, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर स्टडिंग। और इसमें हमने जो है, इससे जो पहले वाला वीडियो हमने बनाया था वो था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट फर्स्ट, एंड नाउ इट इज पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पर ओरल और रिटन दोनों की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई थी, उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। और आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में जब इसके क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर, एवरी ईयर इन डिफरेंट एग्जाम्स क्वेश्चन अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ हैज़ बीन रेपिटेडली आस्क्ड। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये पढ़ने में नया है, लेकिन लाइफ में आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हर कदम पे आप इसे इस्तेमाल करते हैं, हर रूप में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये जब आप पढ़ेंगे स्लाइड्स को तो आप खुद जान जाएंगे कि ये क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं या हम उसे कैसे मिसयूज करते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड अदर वेज पीपल कैन कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जेस्चर्स होते हैं, यानी हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस चेहरे के भाव, टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की जो टोन क्वालिटी होती है, आई कॉन्टैक्ट यानी कि आंखों का जो संपर्क होता है, बॉडी लैंग्वेज यानी कि जो शरीर की भाषा होती है, पोस्चर यानी आपका जो अंदाज होता है, और भी कुछ ऐसे रूप जहां पर आप बिना भाषा का ओरल या रिटन प्रयोग किए अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। When you are interviewing for a job or participating in a meeting, your non-verbal communication is almost as important as your verbal responses. जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं या आप किसी मीटिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो non-verbal communication है वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एवरी डे वी रेस्पॉन्ड टू थाउजेंड्स ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एंड बिहेवियर्स, इंक्लूडिंग पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई गेज, जेस्चर्स एंड टोन ऑफ वॉइस। तो इसका मतलब ये है कि एवरी डे वी रेस्पॉन्ड टू थाउजेंड्स ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, कि रोजाना हम हजारों तरह के नॉन वर्बल क्यूज देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, जिसमें पोस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं,
आई गेज यानी कि घूरना होता है किसी का, जेस्चर्स होते हैं और टोन ऑफ वॉइस भी इसमें आता है। नेक्स्ट वन इज, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। यानी कुल मिलाकर बार बार आपको यही वर्ड्स रिपीट होते दिखेंगे जिसमें आई कॉन्टेक्ट आएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस आएंगे, जेस्चर आएगा, पोस्चर आएगा और पर्टिकुलरली डिस्टेंस भी उसके अंदर आ जाती है। अब इन सब के लिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल जार्गन्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ विजुअल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं काइनेसिस, डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिस, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट और अपियरेंस। वॉइस के लिए हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज और टच के लिए हम बोलते हैं हैप्टिक्स। तो ये जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ी जाती हैं। इन्हें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में समझा जाता है, इन्हीं के आधार पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को तय किया जाता है। टुडे स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन कन्वे मोर मीनिंग देन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ स्कॉलर्स का यहां तक मानना है कि वर्बल कम्युनिकेशन की अपेक्षा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छे से बात कह पाता है। जैसा कि यहां बताया गया है 60 to 70% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। इस नॉन वर्बल के अंडर अगर हम बात करें यहां पर किसी पहली चीज की जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में अपने शारीरिक भाषा में देखते हैं वो होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के अलग अलग भाव, अलग अलग भंगिमाएं, इन्हें हम हिंदी में बोलेंगे भाव भंगिमा। तो द ह्यूमन फेस इज एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, एबल टू कन्वे काउंटलेस इमोशंस विदाउट सेइंग अ वर्ड। एक आदमी का, मनुष्य का जो चेहरा होता है वो अपने आप में बहुत एक्सप्रेसिव होता है और वो एंड नंबर ऑफ इमोशंस जो है वो सामने वाले तक पहुंचा सकता है। काउंटलेस इमोशंस कैन बी कन्वेड विदाउट सेइंग अ वर्ड। फेशियल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। द फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एंड डिसगस्ट आर द सेम अक्रॉस कल्चर्स। जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस आप इन डायग्राम में देख रहे हैं वो कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, वहां पर आपको लगभग लगभग सेम ही मिलेंगे। यानी अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो वो स्माइल कनाडा में भी पहचानी जाएगी, वो स्माइल यूके में भी पहचानी जाएगी, वो स्माइल स्विट्जरलैंड में भी पहचानी जाएगी, वो स्माइल पाकिस्तान में भी पहचानी जाएगी और वो स्माइल इंडिया में भी पहचानी ही जाएगी। स्माइल मीन्स स्माइल। सो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो आपको हर जगह एक जैसे अर्थ देते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पहला जो फेस है वो नेचुरल यानी नॉर्मल एक न्यूट्रल फेस है, दूसरा काम यानी शांत, तीसरा रिजेंटफुल, नेक्स्ट वन इज प्लेफुल थोड़ा शरारती, अगला है फ्राइटेंड डरा हुआ, सैड उदास, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट खुश, इससे ऊपर रिजेंटफुल मतलब नाराज, देन एलिंग थोड़ा सा बीमार सा, थोड़ा थका हुआ सा, थॉटफुल कुछ सोचते हुए, जॉली यस हैप्पी हैप्पी,
क्राइंग, थोड़ा रोते हुए, एंग्री, गुस्सा, बहुत गुस्सा, फनी, मजाकिया, एनमोर्ड, कुछ सोच के खुश होता हुआ, एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड का मतलब है सरप्राइज्ड, एंड लाफिंग, लाफिंग का मतलब है हंसते हुए। तो ये क्या है, दीज आर डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस को देखकर आप तय कर लीजिए आप कितने तरह के एक्सप्रेशंस देते आए हैं। सारे ही देते हैं आप, आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। बाकी कोशिश कीजिए कि वह स्माइलिंग रहे, मुस्कुराते हुए आप रहें, हाँ, खुल के हंसें, हंसें, खुल के हंसना चाहिए ना, बिल्कुल, बहुत जरूरी है हंसी और खुशी। आपके चेहरे की स्माइल दूसरे के चेहरे पे स्माइल लेकर आती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। सबसे सस्ता मेकअप होता है ये, चेहरे पर अगर स्माइल है तो कोई और मेकअप करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट, बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर। बॉडी मूवमेंट्स, किस तरह से आपकी बॉडी मूव करती है, किस तरह से आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सबको लेकर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। द वे यू मूव एंड कैरी योर सेल्फ कम्युनिकेट्स अ लॉट टू द वर्ल्ड। आप कैसे चलते हैं, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, ये सब कुछ, बहुत कुछ आपके बारे में बताता है, बहुत कुछ आपके बारे में लोगों को जानने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स योर पोस्चर बेयरिंग, स्टांस एंड द सटल मूवमेंट्स यू मेक, हाउ यू स्टैंड और सिट, वेदर योर आर्म्स आर क्रॉस्ड एंड सो ऑन। तो जिस प्रकार आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस प्रकार आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खड़े होते हैं, सब कुछ वो दिखाता है कि आप किस प्रकार की शख्सियत हैं, किस प्रकार के पर्सनैलिटी आपके अंदर है, किस प्रकार का आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाता है, सोचते हुए, अलग अलग तरह के पॉइंट्स दिखाए हैं यहाँ पर। दूसरे वाले में हैंड मूवमेंट दिखाए हैं, कहीं हाथ बंधे हुए हैं, कहीं हाथ मुंह के ऊपर कुछ सोचते हुए है, कहीं हाथ एक मैडम की तरह कुछ समझाते हुए है। ऐसे ही आपके कुछ और हैंड मूवमेंट्स हैं जहां पर ये बताया गया है कि वो कैसे, किस किस तरह से हैंड मूवमेंट, कहीं जेब में है, कहीं पेजेस पलट रहे हैं। देन उसके बाद आपका पोस्चर, बैठने का अंदाज, कहीं पर आप बिल्कुल चिंता मग्न होकर बैठे हैं, कहीं पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं, कहीं आप दूसरों की बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है, अलग अलग तरह का बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। नेक्स्ट इज जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आप अलग अलग तरह के जेस्चर देख रहे हैं। सो अ जेस्चर इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वोकल कम्युनिकेशन इन विच विजिबल बॉडीली एक्शंस कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैसेजेस। जेस्चर क्या होता है, जेस्चर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम जो भी बात करते हैं वो पर्टिकुलर हमारे मोशंस, हमारे मूवमेंट्स के थ्रू पहुंचती है। जैसे एक सिंबल है, हाथों को जो फर्स्ट किया गया है, इसका मतलब ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर, इस तरीके का ये एक साइन है यहाँ पर। दूसरा वाला एक साइन है, यस एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट वन इज
रिलैक्स मूड, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके के मूड। और इस मूड को जब आप देखते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि ये मूड यहाँ पर किस तरह का है। अगले वाले में एक चिंतामग्न व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अगले वाले में थोड़ा टेंशन में फिर दिखाई दे रहा है, या उसकी हरकत कुछ इस तरह की है जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो ये सब क्या है जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? जेस्चर्स कहलाते हैं। नाउ जेस्चर के बाद आता है आई कॉन्टेक्ट। द वे यू लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अफेक्शन, हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन। हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन, ये सारे क्या हैं? आपके आई कांटेक्ट को बयां करते हैं। आप किसी के साथ कैसा आई कांटेक्ट बनाते हैं, इससे ये तय हो जाता है कि उस व्यक्ति में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आप उससे बात करने के इच्छुक हैं या नहीं है। अफेक्शन, उनके साथ आपका अफेक्शन कैसा है? हॉस्टिलिटी मतलब आप कितने हॉस्टाइल हैं, कितने उनके विरोधी हैं। और अट्रैक्शन, या फिर कितना आपका उनकी तरफ अट्रैक्शन है सामने वाले व्यक्ति की ओर। आई कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड फॉर डिटरमाइनिंग द पर्सन्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आई कॉन्टेक्ट जो है एक चीज के लिए और महत्वपूर्ण होता है, और वो महत्व है किसी सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट जानने में और उसका हमारी ओर रेस्पॉन्स जानने में। जो आंख मिला के बात करेगा, इसका मतलब वो हमारी बात में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब वो हमें रेस्पॉन्स कर रहा है। बट जो आंख चुरा के बात करेगा, जो आंखें छुपा के बात करेगा, इसका मतलब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है सुनने के लिए। उसका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है हमारी बात को समझने में, उसका कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव हो हमारे लिए। तो ये क्या कहलाएगा? आई कॉन्टेक्ट। कितने आईज जो यहाँ पर दिखा रखी हैं, हर आईज के अंदर किसी ना किसी तरह की एक अलग फीलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर एक आंख यहाँ पर कुछ ना कुछ बता रही है कि उसमें किस तरह का भाव छिपा हुआ है। नेक्स्ट वन इज टच। बहुत वैल्यू है इसकी। टच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच। डिफरेंट मैसेजेस आर गिवन। अ वीक हैंडशेक, अ वार्म बेयर हग, अ पैट ऑन द हेड और अ कंट्रोलिंग ग्रिप ऑन द आर्म। अलग अलग तरह के मैसेज दिए जाते हैं। किस प्रकार से? ये दिखाते हुए कि आप किसी के साथ कैसा हैंडशेक कर रहे हैं, आपकी उससे दोस्ती कितनी गहरी है। ए वार्म बेयर हग, कितना आप अपने दोस्त के गले लग पा रहे हैं, कितनी आपकी उससे इंटीमेसी है। अ पैट ऑन द हेड, किसी जानकार को आप सिर पे अगर एक टपड़ी मार रहे हैं, हाँ पैट ऑन द हेड, तो वो किस तरह की है? क्या वो गुस्से वाली है या वो प्यार वाली थपकी है? और अ कंट्रोलिंग ग्रिप ऑन द आर्म, या फिर आप किसी की आर्म को कैसे दबा रहे हैं, कितना जोर से आप होल्ड कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आपका टच नेगेटिव है। इट इज यूज टू कम्युनिकेट सपोर्ट और कंफर्ट। टच जो जेस्चर है, या टच के बारे में अगर मैं बात कहूं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो ये एलिमेंट है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हो जाता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हमें हमारा सपोर्ट यानी समर्थन किसी व्यक्ति को दिखाना हो, हमारी कंफर्ट लेवल किसी को बतानी हो। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग जोरों पर है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने से ही हम शायद इस कोरोना से बच पाएंगे।
मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही इस समय सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय लगता है, लेकिन फिर भी टच की इम्पोर्टेंस यहाँ कम नहीं होती। एक मदर जो अपने छोटे बच्चे को पाल रही है, उसका जो एक बहुत ही प्यारा सा टच जो बच्चे के लिए होता है, वो छोटे बच्चे को भी ममता का एहसास करवा देता है। किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसके सिर पर जब हम प्यार से हाथ फेरते हैं, तो वो टच उसे एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। इसलिए इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज करें। कभी भी टच को नेगेटिव इमोशंस शो करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ अलग अलग डायग्राम्स हैं। कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एक अच्छा हैंडशेक है, दो बच्चे प्यार से गले लगकर जा रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दुलार दे रही है, दो फ्रेंड्स कुछ देख रहे हैं खड़े होकर, दो फ्रेंड्स यहाँ पर गले मिल रहे हैं। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, स्पेस, जिसे आप बहुत कम लोग जानते होंगे, जिसे आप फॉलो तो कर पाते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि ये क्यों होता है और कैसा होता है। तो हमारी अगली टर्म जो स्पेस है, उसे आप समझिए। वी ऑल हैव ए नीड फॉर फिजिकल स्पेस, ऑल्दो दैट नीड डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, सिचुएशन एंड क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। हम सबको फिजिकल स्पेस की आवश्यकता होती है, और वो जो नीड है वो डिपेंड करती है हमारे कल्चर पर, हमारी सिचुएशन पर, और हमारे किस रिलेशनशिप में क्या क्लोजनेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हमारा दायरा कम और ज्यादा होता रहता है डिस्टेंसिंग का हमारे रिलेशनशिप के आधार पर। यू कैन यूज फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मैनी डिफरेंट नॉन वर्बल मैसेजेस। फिजिकल स्पेस का बड़े अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है कई अलग अलग तरह के नॉन वर्बल मैसेजेस को देने के लिए। उनमें प्रमुख हैं इंटीमेसी और अफेक्शन को दिखाना, या फिर एग्रेशन और डोमिनेंस को दिखाना, हमारे प्रभुत्व को दिखाना। अब देखिए जो डायग्राम है, ये कितना इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसमें क्या दिया गया है। देखिए 0 से लेकर 1.5 फुट की जो दूरी होती है, जो सबसे नीचे सबसे छोटा वाला जो सर्किल आप देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटीमेट स्पेस। और इस स्पेस में परिवार के कुछ ही सदस्य, जैसे माँ और उसके बच्चे, पति और पत्नी, परिवार के कोई एक दो खास सदस्य, वो लोग इस स्पेस में आते हैं। लेकिन उसमें भी घनिष्ठ और घनिष्ठतम, नियर और नियरेस्ट वाली बात आ जाती है। थोड़ा सा आप अगर आगे बढ़ेंगे तो परिवार के और भी जो सदस्य हैं, अगर एक ज्वाइंट फैमिली है, तो आप उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस में जगह देते हैं 2 फुट से लेकर, बल्कि 1.5 फुट से लेकर 4 फुट के बीच का ये डिस्टेंस होता है। लेकिन जैसे ही आप घर की दहलीज लांघकर बाहर निकलते हैं, तो आपके स्पेस का दायरा बढ़ता चला जाता है। कॉलेज वगैरह में जो आपका स्पेस होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 फिट से लेकर 12 फिट के बीच में, यानी कि ये जो दूरी है ये 4 फुट से 12 फिट तक की कवर होनी चाहिए। ये जो दूरी है ये 4 फुट से 12 फिट के बीच की होनी चाहिए, और उसके आगे का जो भी स्पेस है वो पब्लिक स्पेस कहलाता है, और वो पब्लिक स्पेस है आपका 12 फिट प्लस, यानी कि 12 फिट से आगे की जो भी दूरी है वो पब्लिक प्लेस में आती है, और इस पब्लिक प्लेस को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो किया जाता है, खासकर जहाँ कोई स्पीच हो, जहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस आपको करनी हो, कोई सम्मेलन बुलाना हो,
एक ऑडियंस बहुत ज्यादा हो, वहां पर आप इस तरह की एक पब्लिक स्पेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज वॉइस, आवाज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ये भी। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, केवल ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, इट इज हाउ यू से इट, आप कैसे कह रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से इट, आप किस प्रकार उसको कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू स्पीक अदर पीपल रीड योर वॉइस इन एडिशन टू लिसनिंग टू योर वर्ड्स, जब आप बोलते हैं तो लोग आपके बोले हुए शब्दों को पढ़ते हैं, ना सिर्फ वो सुनते हैं बल्कि उन्हें गहराई से पढ़ते हैं, मतलब उनके भावों को जानने का प्रयास करते हैं। थिंग्स दे पे अटेंशन टू इंक्लूड योर टाइमिंग एंड पेस, हाउ लाउड यू स्पीक, योर टोन एंड इनफ्लेक्शन एंड साउंड्स दैट कन्वे अंडरस्टैंडिंग सच एज एंड ओह। जब भी लोग आपसे बात करते हैं तो वो इन बातों पे ध्यान देते हैं कि आपकी टाइमिंग कैसी है, आपकी बोलने की गति कैसी है, कितना लाउडली आप बोल रहे हैं, आपकी टोन कैसी है और किस तरह की साउंड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर यस बोल रहे हैं या सिर्फ इसमें काम चला रहे हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे करते हैं क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। थिंक अबाउट हाउ योर टोन ऑफ वॉइस कैन इंडिकेट सार्केज्म, एंगर, अफेक्शन और कॉन्फिडेंस। सोचें इस बारे में कि आपका टोन ऑफ वॉइस क्या क्या आगे तक पहुंचा सकता है, क्या क्या ट्रांसफर कर सकता है, व्हाट इट कैन इंडिकेट। सार्केज्म का मतलब होता है किसी की मजाक बनाना, किसी को सार्केस्टिक वे में ताना देकर बात करना, एंगर यानी गुस्सा दिखाना, अफेक्शन यानी कि एक आपको एक प्यार आप जता रहे हैं, एंड कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं हमारी वॉइस के जरिए आगे तक पहुंचती हैं, हमारे लिसनर तक पहुंचती है। डॉक्टर अल्बर्ट मैरबियन का एक मॉडल है जिसे हम 7-38-55% मॉडल के नाम से जानते हैं, या 7-38-55% के रूल के नाम से जानते हैं। और इसमें उन्होंने बताया है एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। नंबर वन, स्पोकन वर्ड्स होते हैं लेकिन वो मात्र 7% होते हैं। नंबर दो, वॉइस या टोन जिसकी मैंने अभी बात की वो 38% रोल प्ले करती है। और नंबर थर्ड, 55% इज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसको मैंने अभी आपको पिछले पांच टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे, यानी कि इससे पहले स्पेस था और उससे पहले के जो पांचों एलिमेंट्स थे वो आपके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड थे। तो ये देखिए, जब भी आप इस कम्युनिकेशन की बात करें तो 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नाउ हियर आर सम टिप्स जिनसे आप अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं, उसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉइड स्लाउचिंग, सिट विद योर बैक स्ट्रेट अप अगेंस्ट द चेयर और लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टू कन्वे एंगेजमेंट।
स्लाउचिंग का मतलब होता है कि एक लेजी तरीके से खड़ा होना, बैठना, प्रेजेंट करना अपने आप को, वो सब आपको नहीं करना चाहिए। आप जब भी बैठें आपकी पीठ कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिस चेयर पे भी आप बैठे हैं वहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के साथ आप बैठें, इससे आप एक्टिव नजर आएंगे और एक्टिव रहेंगे। स्टेब्लिश फ्रिक्वेंट बट नॉट कंटिन्यूअस और पियर्सिंग आई कॉन्टेक्ट विद लिसनर्स। अपने लिसनर्स के साथ आप आई कॉन्टेक्ट जरूर बनाएं, लेकिन वो इतना तीखा नहीं होना चाहिए, इतना पियर्स नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। इन अ ग्रुप कॉन्वर्सेशन शिफ्ट आई कॉन्टेक्ट टू द वेरियस स्पीकर्स। जब भी आप ग्रुप में कम्युनिकेट करें तो अपने आई कॉन्टेक्ट को अपने वेरियस स्पीकर्स के सामने, जो वेरियस जो लोग हैं उनसे आप आई कॉन्टेक्ट मिलाते रहें। स्पीकर्स भी अगर हैं और लिसनर्स भी हैं, जो भी दोनों आपके सामने हैं, आप कंटिन्यू सबके साथ अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखें। नंबर 4, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद अ स्माइल। जब भी आप अपना परिचय कहीं दें, बिना स्माइल के ना दें, तो स्माइल को हमेशा अपने साथ रखें। रेस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ पर्सनल स्पेस प्रेफर्ड बाय योर कम्युनिकेशन पार्टनर्स। जो भी आपकी बात सुन रहा है या जिसकी भी बात आप सुन रहे हैं, वहां पर आप ध्यान रखें एक प्रोटोकॉल का, और वो प्रोटोकॉल है पर्सनल स्पेस को फॉलो करने का। जो डिस्टेंसिंग मैंने आपको बताई थी, 0 से 1.5 फुट, 1.5 से 4 फुट, 4 से 12 फुट और 12 फुट से ज्यादा, उसी स्पेस को आप अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू योर इंटीमेसी, आप वहां पर फॉलो करें। लिसन केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट। किसी की भी बात को केयरफुली सुनिए और उन्हें बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट है और इसे आप जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। वैसे भी मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आप सामने वाले को जानना चाहते हैं तो आप बोले कम और उसकी सुने ज्यादा, तभी आप उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को सही जज कर पाएंगे। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, मॉड्यूलेट योर वोकल टोन टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट एंड पंक्चुएट द की पॉइंट्स। जब भी आप बोलें तो आपका जो भी भाव है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। आप खुश हैं या आप में गम है, आप कहीं प्रॉब्लम में हैं या आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप एम्पैथी दिखा रहे हैं या सिंपैथी दिखा रहे हैं, वो सब कुछ आपके वॉइस के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जो भी मेजर पॉइंट्स आप बोल रहे हैं उन्हें आप जोर दे देकर बोलें, उन्हें अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हुए बोलें। तो ये सारी बातें जब भी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें तो उन्हें फॉलो करें और अपने कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाएं, फ्रूटफुल बनाएं, इम्पोर्टेंट बनाएं, ताकि लोग आपसे जुड़ें, ताकि लोग आपसे बात करना पसंद करें। तो इन्हीं सब टिप्स के साथ आई प्रे गॉड दैट ही मे कीप यू सेफ एट होम। टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट बी इररेस्पॉन्सिबल, वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली एंड कीप स्टडिंग रेगुलरली। थैंक यू सो मच।